हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली मैं एक अनदर ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड के साथ आया हूं। तो यार, इस संडे के एपिसोड में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि फाइनली मतलब इतना कुछ होने को देखने को मिला है कि गोहान का और पिकोलो का फाइट और अनदर गोकू भी जिस तरह से फाइट करता था उसमें बहुत मज़ा आता। और लेकिन यार, एक सैड न्यूज़ है कि यार यूनिवर्स 10 जो है वो इरेज हो गया है। तो यार वो तो एक सैड बात है, लेकिन जो मज़े वाली बात है, बहुत ज़्यादा मज़े वाली बात है, वो है गोहान का जो फाइट बैक था, कम बैक था, जो जिस तरह से उसने ओबिनी के साथ फाइट करी थी और उसने ड्रॉप आउट किया। लेकिन यार वहीं सैड मोमेंट भी गोहान का दिखाया गया कि गोहान थोड़ा सा सैड नजर आया जब ओबिनी का फैमिली लॉकेट देखता है, क्योंकि यार वो सोचता है कहीं ना कहीं कि ये मेरी भी फैमिली है जैसे उसकी फैमिली थी, बिना बात के इरेज हो गई वगैरह वगैरह। ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो यार गाइस, इन सब के बीच में जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा है वो गोकू की फाइटिंग स्टाइल लगी है। जो गोकू जिस तरह से फाइटिंग कर रहा है, और अभी तक गोकू मतलब अपनी मच मोर स्टेमिना यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन यार इस एपिसोड में अब तक सारे के सारे लोग यूनिवर्स 7 के हाईलाइट हो चुके हैं। बस जो बचे हैं वो फ्रीजा बचा है और आपका मास्टर रोशी और टीएन। तो यार यही लोग बचे हैं जो मतलब अभी तक हाईलाइट नहीं हुए हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसे किस तरह से हाईलाइट करते हैं, और फ्रीजा को किस तरह से हाईलाइट करते हैं वो फ्रीजा, मतलब क्योंकि जिस तरह से फाइट करता है वो तो फाइट सिर्फ बेइज्जती कर करके फाइट करता है, सामने वाले की बेइज्जतियाँ ही मारता है, उसे नीचा दिखा के जान से मार देगा, उसे मंजूर है भाई, सब कुछ करना मंजूर है। और अनदर हैंड यार, मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि एपिसोड 104 में फाइनली गोकू जो हो जाएगा सुपर सैयन गॉड। आई एम सो एक्साइटेड कि सुपर सैयन गॉड गोकू किस तरह से बना, कि दोबारा मतलब 5 लोगों ने पावर दी तब जाके गोकू वो सुपर सैयन गॉड बना, या मतलब उसमें खुद ही एबिलिटी आई कि वो सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया। बट यार मुझे एक चीज़ मतलब थोड़ा सा हैरानी वाली बात है कि सुपर सैयन गॉड बनने के बाद भी गोकू को थोड़ी सी ट्रबल हो रही है जैसा कि उसमें देखने को आ रहा है। लेकिन एंड ऑफ द फाइट दोनों मतलब हिट और गोकू स्माइल करते हुए होते हैं, तो मतलब कुछ नया है कि हाँ वो मतलब फाइट जीत चुके होते हैं, उनकी मतलब जो टैग टीम है वो बहुत कामयाब निकल जाती है। लेकिन यार मैं आगे मतलब जानना चाहूँगी कि आगे के एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि अब 37 मिनट ही रह गए हैं पावर ऑफ टूर्नामेंट को। तो इसके बाद क्या, इसके बाद इतना तो पता है कि गोकू की ये फाइनल फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि गोकू यार इट्स नॉट लाइक अ डेट वीक कंटेंडर। यार गोकू के पास कुछ ना कुछ तो सम अदर पावर आएगी, क्योंकि ये पूरा प्योर फॉर्म नहीं होगा सुपर सेन गॉड का जैसा कि अभी तक मुझे लग रहा है। क्योंकि जैसा कि गोकू की प्योर फॉर्म है, हमने स्टार्टिंग में जब बीरस से फाइट करते हुए देखा था गोकू को, तो वो ब्लैक हेयर था जब गोकू ने बीरस की पावर को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो यार जब बीरस अपना ब्लास्ट छोड़ रहा था तब की बात की है। तो यार कहीं ना कहीं गोकू का प्योर फॉर्म देखने को मिलेगा जब हाँ वो जीरन से फाइट कर रहा होगा, और क्या पता गोकू जीरन को डिफीट कर दे, क्या पता गोहान सुपर सैयन प्योर गॉड की तरह आए। अब ये तो देखने वाले आगे एपिसोड में पता चलेगा। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो मतलब मैं जानता हूँ यार ये वीडियो छोटी है, लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ यार लाइक करना, और यार शेयर तो जरूर करना एज मच एज जितना भी आप सब कर सको। और अगर यार आप ड्रैगन बॉल जी सुपर के या ड्रैगन बॉल जी के बहुत बड़े फैन हो ना, प्लीज़ यार एक लाइक शेयर और वो लाल बटन के अंदर ना जाके कामेहा मेहा मार दो यार, जल्दी करो प्लीज़ यार। थैंक यू सो मच गाइज।